मैं हूँ अंदर और बाकी शूट करते देखते ये गाना उनके लिए जिनका शादी हो चुका है। जब से बहुत ज्यादा टाइम और पीछे देख सकते हो दो हवा से पौले बाड़ू ससुरातिया हो। लोग शूट करने का मन नहीं कर रहा क्योंकि यार ब्रेकअप जो हो गया है लोग शूट करने का मन नहीं कर रहा की नजर क्या लगे वहां पर प्यारे प्यार जहां पर न पिछड़े मिलने वाले जहां। तो हेलो गाइस वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग वीडियो। रुक जा के नागमणि लेके जाएगा पूरी। तो गाइस आज का 50 लोग हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इस स्टेडियम में। बाकी देखते हैं आज का ब्लॉग शूट करने के लिए कहाँ जाना पड़ता है और आप लोग को कहाँ जाके एंटरटेनमेंट करेंगे। तो गाइस बने रहिए, बाकी आज हम लोग यहाँ से चलते हैं और देखते हैं क्या आप लोग स्टार्ट करेंगे, आप लोग कैसा एंटरटेनमेंट करेंगे, किस प्रकार से आप लोग को एंजॉय कराएंगे। तो गाइस बने रहिए, बाकी चलते हैं यार, देखते कहाँ जाना पड़ता है। तो गाइस बने रहिए, बाकी चलते हैं हम लोग यहाँ से। तो गाइस अभी मैं पहुँच चुका हूँ इम्प्रेस गार्डन, ठीक है, और देखते हैं आज का ब्लॉग। स्टार्ट करते देखते चलते आगे, बाकी अंदर चलते देखते कैसा ब्लॉग बनता है आज का। तो गाइस चलते आगे और बाकी आप लोग को एंजॉय कराते हैं। अभी मैं हूँ अंदर और बाकी शूट करते देखते कैसा बनता है। और यहाँ पे क्लाइमेट एक्चुअली में बहुत ज्यादा ठंडा है क्योंकि अभी बारिश की मौसम। लड़की क्यूट तो है ये तो मानना पड़ेगा। हाँ। तो गाइस इसके चलते यहाँ पे बहुत ही ज्यादा अभी क्लाइमेट ठंडा है। तो गाइस चलते शूट करते देखते हैं कैसा बनता है और आप लोग एंटरटेनमेंट करते, तो बने रहिए बाकी दिखाते हैं आप लोग को। तो गाइस पीछे देख सकते हो जैसे शूट हो रहा है और चलते हैं थोड़ा आगे बाकी और एंटरटेनमेंट करते हैं। तो गाइस पीछे देख सकते हो पापा की बढ़िया तीन तीन बढ़िया है भाई। क्या बोला तूने? समझ सकते हो यहाँ पे शूट हो रहा है पापा की बढ़िया का। A few minutes later. उड़ता ही फिरूं इन हवाओं में कहीं। यहाँ पे बिल्कुल भी रश नहीं है, समझ में नहीं आ रहा कि आप लोगों को कैसे एंटरटेनमेंट करूँ। तो गाइस अभी पता नहीं कैसा व्लॉग बनेगा आज का, तो गाइस देखते हैं। बाकी हमसे हंसे बोले बतिया। यार सच में समझ में नहीं आ रहा कि व्लॉग आज का कैसे शूट करूँ मैं, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा। देखते हैं फिर भी वेट करते हैं, अगर रश होता है तो व्लॉग शूट करेंगे यहाँ पे। ये गाना उनके लिए जिनका शादी हो चुका है। जब से गए मैं ससुराल तो गाइस बहुत लोग ये बोल रहे थे भाई आप इम्प्रेस गार्डन क्यों जाते हो। तो भाई मेरी गर्लफ्रेंड आने वाली थी इसकी वजह से मैं इम्प्रेस गार्डन। तो इसके चलते मैं आया था इम्प्रेस गार्डन, लेकिन यार गर्लफ्रेंड अभी तक आई ही नहीं। तो बस वेट करते देखते फिर हो चुका है बहुत ज्यादा टाइम और पीछे देख सकते हो दो पापा की परिया आई हुई। तो गाइस अभी फिलहाल हम लोग शूट करते हैं और आप लोग को एंजॉय कराते हैं। तो गाइस फिलहाल आप लोग बने रहिए और चलते हम लोग शूट करते हैं। लोग शूट करने का मन नहीं कर रहा क्योंकि यार ब्रेकअप जो हो गया इसके चलते लोग शूट करने का मन नहीं कर रहा। तो गाइस फिलहाल अभी यहाँ पे रुकते हैं, देखते वेट करते फिर शूट करते हैं। इतने रश नहीं है, बाकी चलते हैं हम लोग आगे। और रश तो यहाँ पे बिल्कुल भी बहुत कम है गाइस। तो अभी फिलहाल हम लोग यहाँ से चल रहे हैं आगे साइड और इधर से हम लोग चलेंगे। तो गाइस अभी बने रहिए, फिर वहाँ से हम लोग चलेंगे दूसरी जगह। पीछे की जैसे एक भाभी बैठी है और बाकी राजा जी यार मैं शूट कर रहा हूँ। तो गाइस अकेले हूँ, डर भी लग रहा। तो गाइस देख सकते हो बाकी यार भाई इतना ही गोरा और नहीं खे ठीक है पूछी। हम लोग चलते निकलते बाहर की ओर और यहाँ पे लोग शूट हो चुका। तो गाइस चलते बाहर, मैं बहुत टाइम से यहाँ पे घूम रहा हूँ, बाकी सब लोग शूट नहीं हो पा रहा है। क्योंकि ब्लॉग बहुत छोटा है आज का, तो गाइस अभी आप लोग को एंजॉय करने के मोमेंट नहीं इतना। तो गाइस अभी फिलहाल हम लोग चलते हैं क्योंकि भाई ब्लॉग शूट नहीं हो पा रहा है, सॉरी इसके लिए। तो गाइस बस देखते हैं अभी यहाँ से चलते हैं, निकलते हैं बाहर के साइड में, फिर आप लोग से मिलते हैं। फाइनली अभी मैं यहाँ से निकल रहा हूँ ब्लॉगों के शूट। तो गाइस चलते हैं यहाँ से निकलते हैं, मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। तेरे सामने वाली खिड़की में एक
एक चांद का टुकड़ा रहता।